हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च, बरवा शिमला मिर्च। सो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लेके अच्छे से अंदर से साफ़ करके धो के रख लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने आलू और ये है लहसुन, मिर्ची और प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। यहाँ पर है भरवा मिर्चा जिसको सब लोग भरा मिर्चा भी कहते हैं। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया था और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल और हम इसमें डाल रहे हैं, तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल रहे हैं पचफोरन एक चम्मच और इसको लाल हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है तो हम इसमें डाल दे रहे हैं पहले लहसुन और मिर्ची और इसके साथ हम डालेंगे प्याज और इसको भी बाद कर देंगे। और ज़्यादा लाल नहीं करना, हल्का ही लाल करना है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गैस को धीरे करके ताकि हल्दी जले ना। इसमें डाल दे रहे हैं नमक थोड़ी सी, कसूरी मेथी, आप चावल की कसूरी मेथी स्किप भी कर सकते हो, हमारे घर में पसंद है लोगों को तो इसलिए हम डालते हैं। और हमने इसमें डाल दिया है वो जो हरा मिर्चा होता है वो, तो ये तो लगभग सबके घर में रहता है। और इसमें हम डाल दे रहे हैं आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में निकाल दिया और ये ठंडा हो चुका है तो चलिए हम आपको भर के दिखाते हैं। तो यहाँ पे बन गया है इस तरीके से और इसमें अच्छे से तरीके से भर भर के डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से भर गया है तो इसी तरीके से सारा भर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से भर दिया है। चलिए इसको हम इसे पका लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने, तो यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया है और इसको भी किसी छोटे बर्तन से अच्छे से ढक देंगे। तो इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए पका देते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है, चलिए इसको कलर देते हैं किसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए फिर दूसरी तरह से भी कलर दिए हैं, इसको दोबारा भी पका लेते हैं। तो ये देखिए ये दूसरे भी तरीके तरह से अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पक गया है तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से एकदम पक गया है। सो मेरा भरवा बनाना बन के हो गया रेडी। सो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।